जब सैलाब स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैं तुर्की में थी। फिर हमने आप लोगों की हेल्प से एक डोनेशन स्टार्ट किया। वही डोनेशंस को लेके मैं पाकिस्तान तक पहुंच गया। अभी मैंने आप लोगों की अमानत इधर के लोगों को देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। ये इंट्रो स्टार्टिंग मैं अभी पाकिस्तान में कर रही हूँ। आपको पता है कि आप लोगों ने मुझे डोनेशंस दी थी मैं जब तुर्की में थी, उसी टाइम भी मैंने आप लोगों का कहा था अगर यही डोनेशंस तो मुझे आएगा मैं खुद पाकिस्तान आके खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। इंशाल्लाह आज मैंने वही काम करनी है। हमने जाएंगी काफ़ी ज़्यादा जगह चेक किया सैलाब कहाँ में आया, कौन से जगह में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मुल्तान की रजमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हम उधर ही जाएंगे। आपको ये भी बताओ मैं ऑलरेडी मैं गोबीस के साथ पाकिस्तान ही एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ये फ्लोट का मैं कवर कर दूँ, क्योंकि कौन से जगह में हम जाती है गोबीस पेंट्स ऑलरेडी उधर काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। मैं भी किसी तरह स्टेबल बंदा के साथ जाना चाहती थी। हमारी इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई होप सब नीडेड पर्सन को जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस व्लॉग। हम इम्तियाज स्टोर में आए हमारी शॉपिंग करने के लिए। हंसने तुर्की में मेरे साथ, अभी पाकिस्तान में भी मेरे साथ है। एक्चुअली हमने एक बजट बनाया, उस बजट के ऊपर हमने एक रशियन का पैकेट बना रही है। मैं इधर आपको भी दिखाती हूँ, इसके अंदर हमारे तो पहली बार 5 kg का फ्लोर होगा, आटा होगा, चने होगा और हमारी चीनी होगा। हर पैकेट के लिए हमारी ऑयल होगा, इधर राइस होगा और ये वाला चना होगा। और ये ज़रूरी होने चाहिए, उन्होंने कहा देंगे बहुत ज़्यादा है इससे, ये भी हम ज़रूर ले लिए। एक और दूसरा चना का पैकेट है। इसके बाद हमारे पास चना और ये बिस्किट है, सारी पैक के लिए बिस्किट है। इसके अलावा भी हमने मच्छरदानी तो वही भी लेना है। अभी हम इंटर स्टोर में हमारी पूरी पैकिंग बना रही है। जब पूरी पैकिंग बनेगा तो मैं दोबारा आ जाती हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है, लाइक इधर भी बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। इससे अभी हम हमारे पैकेट बना के वापस आ गया। शॉपिंग करने के बाद हमने अदर सामान दाइवो से भेज दिया। अदर सामान भी हमने हमारी गाड़ी से लेके रजमपुर तक पहुंच गया। आप लोगों की डोनेशन से हमने इधर तक आया, खुदा ने हमको इधर तक वसीला किया। मैं यही दिखाना चाहती हूँ हमने एक फैमिली के रशियन पैकेट में क्या है। इधर हमारी ड्राई मिल्क है, इधर हैंड सैनिटाइज़र और मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि डेंगू काफ़ी ज़्यादा इधर भी फैल गई है। एक पैक ऑफ बिस्किट है, इधर हमारी चना, ऑयल, चावल और ये दो किस्म का चना, और दोनों भी सेम आई है ऐसा है। ये वो रेडीमेड चना है। इधर हमारी चीनी और इधर हमारी एक आटा है। इसके अलावा हमारे पास एक मच्छरदानी भी है, वो भी डेंगू के लिए हमारे पास हमने लेके आए हैं। अभी ये मेरे पीछे आपको नज़र आती है, सारी पैकिंग हो रही है। हमने पैकिंग करने के बाद ये सारी चीज़ें फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रही है। हम अंदर बैठी थी, भाई ने इधर इसका पहले वीडियो दिखाया, आपको इधर भी नज़र आएगा। जब सैलाब आई थी ना, ये जगह भी इधर पानी की लेवल आती है ना, इधर तक पानी के अंदर था। मैं वही वीडियोस भी आप लोगों को दिखाती हूँ। 10 दिन पहले उन्होंने आई थिंक वैक्यूम से और एक इलेक्ट्रिक मशीन से उन्होंने पानी इधर से निकाल दिया। अदरवाइज सैलाब की टाइम पे ये सब जगह पे वो पानी के अंदर था, लेकिन अभी तो चल रही है एंड लोग इधर खाने के लिए आती है डेली, उनके लिए डेक भी बनती हैं। हमारी इधर पैकिंग भी हो रही है, इधर पीछे लोग भी आ गए, अभी उनका भी पैकिंग देके हम दूसरे जगह पे जाएंगे।
अभी इधर कितना था हमने उनके सारी बांध लिया, ये रिस्क हमारी है ना, अभी गरी के अंदर रख के एक विलेज में जानी है। उन्होंने कहा उधर भी सैलाब बहुत ज़्यादा आई थी, उधर ही जाके डायरेक्ट हम घर को लोगों को देना है। तो हमारी इधर की सारी पैकिंग हो रही है, हम इधर से निकल के दूसरे लोकेशन पर जाती है। अभी एक्चुअली हमने एक दिन आने से पहले किस किस को ज़रूरत है उनका नाम लिखा था, ख़ास मेरे हैंड में और ज़्यादा चीज़ आगा मैं और दूंगी। अभी हमने ये विलेज में आया, ये विलेज बहुत सैलाब के अंदर था और अभी भी हमने आपको अराउंड भी दिखाते तो आपको पता चलेगा। मैं बच्चों के लिए अलग कर दूंगी और ये लिस्ट के लिए अभी हम उनको सारे राशन दे के ख़त्म कर लेंगे। ये रजानपुर की अंदर हमारी तीसरा पॉइंट है, ये जगह का नाम है बस्ती बत्ता। अभी हम इधर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करके और मेडिकल कैंप में जाके इधर इसे मुल्तान के लिए वापस चले जाती हैं। बस मैं एक ये कहना चाहती हूँ, बहुत मुझे पता था ठीक है सैलाब आ गया, लेकिन तो ये सैलाब के बाद लोगों की ये मुश्किल थी देख के, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को, तो वीडियो तो देख रही है। तो अभी हम इधर जाके हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अभी इधर कितना लोगों की गार हुई है, कितना लोग रह गए? इसके पास छत का सामान आ गया। अच्छा, इतनी इधर का 11 लोगों की घर का छत हो गया। हाँ, और कितना रह गए? 11 लोगों को हमने छत का सामान दिया, उसमें से हमने ऐलान किया। अच्छा ठीक है, इधर पानी खराब हो गया है, मुकम्मल तौर पर पानी खराब हो गया। हमें पानी के लिए नलके चाहिए जो नीचे तकरीबन 100 फुट की जिसकी वो होती है। ये तो बस छत में तो ख़त्म नहीं होती है, लाइक छत के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत है। इसके अंदर ग्रोसरी की अलावा भी पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला है, और इधर आई थिंक बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी एजुकेशन ख़त्म हुई पड़ी है, जिनका घर नहीं है वो बच्चे स्कूल क्या जाएंगे? और इधर एक और बात, इस गाँव के इस बस्ती के 2 डेथ हुई थी इसके दौरान। एक खातून को तो मैं आपको मिलवाता भी हूँ, ठीक है ना, उनको हमने रूम बुक किया है, हमने छत दी है। इधर उसका खावन, उसकी डेथ हो गई थी, उसका सिर्फ एक बेटा है। अच्छा। बेटा वो जो हमारे साथ इधर ये खड़ा है, ये उसका बड़ा और छोटा, मतलब यही एक बेटा है, ठीक है। और पूरा आसरा जो है वालदा का ये है। पर यहाँ पे आप जहाँ जाएंगी तो दुख भरी दास्तान है। ये तो हमने सटाल टाप को लिया है ना, ये तो बिल्कुल हम साथ ही है ना, तो ये हमारी ऐसे 37 किलोमीटर की पट्टी, 37 किलोमीटर तक आप इधर चले जाएं और 100 किलोमीटर तक आप ऐसे चले जाएं, या ऐसे 100 किलोमीटर ऐसे चले जाएं, तो ये सारे का सारा एरिया बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है। ये तो अभी आप कुछ रिहेबिलिटेशन हो गई है, लोग वापस आ गए हैं। तो पहले अगर आप आते यहाँ पर तो आप मंजर देखती, मतलब रोना आता था। अब तो ये इनकी ज़िंदगी शुरू हो गई है, कुछ खाना पकाना भी शुरू हो चुका है। इससे पहले तो ये मतलब इसमें रह रहे थे, इस तरह की लाइक ये जो अभी तक भी कुछ लोग रह रहे हैं, हाँ टेंट के अंदर रह रहे थे, बारिशें भी थी। ये तो बात है, लाइक अभी हम क्या इधर हेल्प कर रहे हैं, ओबियसली ये तो बहुत ही कम है, हमने और ज़्यादा करना चाहिए। इवन मैं उसके लिए और भी इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर अभी इधर का छत का ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी टेंट के अंदर रहते हैं, बाहर भी रहती हैं। अभी सबका टेंट तो रेडी नहीं हुई है, लाइक सबका छत नहीं है। अभी ज़्यादातर अगर कोशिश हो सकती है ये सब लोगों की एक छत बनाने में अभी एक काम करना चाहिए। Thank you.
हमने अभी अभी वो रजनपुर डिस्ट्रिक्ट से वापस आया मुल्तान पे, अभी टाइम बज के 12:30 बजे, हमने अभी नया नया पहुँच गया। बस मुझे ये पता चल गया ये काम इंडिविजुअल लोगों की काम नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट को शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये रशियन का काम नहीं है, उधर लोगों की छत नहीं है। तो वीडियोस में आप लोगों ने देख लिया है, अगर आप लोग मज़ीद और हेल्प करना चाहते हैं, मैं नीचे एक और अकाउंट नंबर मेंशन करती हूँ। मैं भी अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, सेकंड दफ़ा मैं वही सलाफ एरिया में दोबारा जाके आप लोगों की डोनेशंस उनको पहुँचाऊँगी। किस किस ने डोनेशंस किया वो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो इधर तक आप लोगों ने वॉच किया, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।